ठीक है, उसमें क्या क्या भलाई है वो हम देखते आ रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3:12। जो दे पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। थोड़ा अच्छा सा बड़े साउंड में वो हो रहा है, थोड़ा आवाज से पढ़ो मुंह खोल के। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में उसको मैं अपना परमेश्वर का मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। जो खंभा बनाऊंगा, थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करेंगे। हालेलुया। एक मिनट प्रार्थना करेंगे। खुदावंत माली दयालु परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें कर। आज मैं भविष्य में पड़ेगा प्रकाशित वाक्य 3:12। जो जय पाए उससे परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। हालेलुया। यहां पर लिखा है जो जय पाए उसके मैं मेरा परमेश्वर का मंदिर में खंभा बनाऊंगा। परमेश्वर का मंदिर बने क्या? कलीसिया। परमेश्वर का मंदिर बने क्या? कलीसिया। ये कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु बोला है यहां पर मैं कुछ लोगों का क्या करूंगा, कलीसिया का खंभा बनाऊंगा। हालेलुया। कितना लोग खंभा बनना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आज जाके प्रभु से बोली, प्रभु मैं आपके मंदिर में खंभा बनना चाहते, मुझे सहायता कर, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। खंभा बनना इतना आसान नहीं है। खंभा के लिए स्पेशल एक क्वालिफिकेशन चाहिए। खंभा बनावा लोगों को प्रभु स्पेशल गिफ्ट देता। जो खंभा बन जाते हैं उनके लिए बहुत चीज में प्रभु क्या करते हैं, उनका बहुत किस्म का गिफ्ट देते, उनका मुख्य स्थान में रख देते। खंभा माने क्या है? अभी आप सोचिएगा, यहाँ पर एक चर्च खड़ा है, एक चर्च में मालूम है कितना खंभा है? अब मेरे ख्याल में भूल गया, यहाँ पर आठ गो है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर आठ, ये 16 खंभा में ये चर्च खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 16 खंभा में चर्च खड़ा है। अभी सोचिए, इसी 16 खंभा में 6 खंभा हटा दिया तो बिल्डिंग खड़ा होगा? मुश्किल से खड़ा होगा। 4 कोना में 4 बीच में 1-2 रखा, मुश्किल में खड़ा होगा। लेकिन कभी भूकंप आ जाएगा, आंधी तूफान आ जाएगा, जल्दी हिल के क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ताकत नहीं रहेगा। और भी 5 कम कर दो क्या होगा, और भी कमजोर हो जाएगा। लेकिन 16 खंभा का जगह पर हम 32 खंभा डाल दिया तो कैसा होगा, और मजबूत होगा। मतलब खंभा क्या करता है, कलीसिया को मजबूत करवाता है। कितने लोग समझ में रहा है? जो से हालेलुया करेंगे, हालेलुया। कितना विश्वासी खंभा बनकर खड़ा हो जाएगा, कितना विश्वासी कलीसिया में खंभा बनकर खड़ा हो जाएगा, उतना ज्यादा मिनिस्ट्री मजबूत हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। क्यों है कलीसिया का, ये कलीसिया माने बिल्डिंग नहीं है, केवल कलीसिया माने क्या है, जीवित परमेश्वर का जीवित आत्मा, ये जीवित विश्वासी। एक एक विश्वासी खंभा बनकर खड़ा होना है। एक एक विश्वासी प्रभु के लिए खंभा बनकर खड़ा हो जाएंगे, प्रभु का मिनिस्ट्री और मजबूत होकर खड़ा हो जाएगा। कभी कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी अंधकार की ताकत एक कलीसिया को हिला नहीं पाएंगे। क्यों? अभी 32 का जगह पर 64 खंभा हो जाएगा। कितना हो जाएगा मालूम है? तमिलनाडु में एक मंदिर है, उसी मंदिर का नाम क्या मालूम है? आजाद खंभा वाला मंदिर।
आप लोग सुना, उसी मंदिर का खंबा कितना मालूम है? हजार खंबा, कई हजार साल पुराना मंदिर है, आज तक मजबूत। उसका एक ईंटा, एक पत्थर, उस दिन में जो पत्थर से स्टोन से बनाया, अभी तक हिला नहीं। क्यों है? उसमें हजार खंबा मंदिर है, मंदिर के चारों तरफ क्या है, आंगन है, सब कुछ, सब में पूरा खंबा खड़ा है। हालेलुया, आज तक एक भी खंबा गिर नहीं गया। हजार का हजार खंबा ऐसा थाम करेगा, कितना आंधी आया, तूफान आया, भूकंप आया, लेकिन हिला ही नहीं। आज हमारे जीवन में एक कलीसिया को प्रभु अपना कलीसिया को, अपना लघु से खरीदा हुआ कलीसिया को प्रभु खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उसी के लिए कलीसिया का अंदर से कुछ विश्वासी लोग को प्रभु खंबा का रूप में खड़ा करना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत प्रकार के खंबा है, एक बिल्डिंग करो ना, बहुत चीज का जरूरत है, ईंटा चाहिए, गिट्टी चाहिए, दीवार चाहिए, खिड़की चाहिए, ऊपर में बीम चाहिए, उसके ऊपर टिन्ना चाहिए, सब कुछ ही चाहिए। आमीन। लेकिन खंबा के बिना कुछ भी खड़ा नहीं होगा। अभी सोचिए, यहाँ पर कोई भी खिड़की नहीं है, लेकिन बिल्डिंग खड़ा होगा नहीं होगा? खिड़की एक भी नहीं है, खिड़की के बिना बिल्डिंग खड़ा होगा नहीं होगा? होगा। क्यों? दीवार नहीं है, दीवार के बिना बिल्डिंग खड़ा होगा नहीं होगा? होगा, क्योंकि खंबा में खड़ा है, खंबा खड़ा है कि नहीं? सोचिएगा। लेकिन खंबा के बिना कोई भी बिल्डिंग खड़ा नहीं होगा। कितने लोग समझ में रहा है? इसलिए दुनिया, ये चर्च में बहुत से विश्वासी है, बहुत से विश्वासी है, लेकिन प्रभु चाहता है कुछ विश्वासी को कलीसिया में खंबा बनाकर इस्तेमाल करें। हालेलुया, खंबा बनाकर इस्तेमाल हो जाए। जो बाइबल में लिखा है गलाती, उसका 2:9 में पढ़ते समय गलाती में लिखा है, वहां जोहन्ना, केपा, जाकोब, ये तीनों जो कलीसिया का खंबा माना जाता है। पढ़िएगा गलाती उसका 2:9। नहीं मिला, नया नियम में ये जब उन्होंने उसे अनुग्रह को जो मुझे मिला है, जाकोब और केपा, योहन्ना, जो कलीसिया का खंबे समझे जाते, जोरदार थाली बजा के, ये तीन आदमी वहां पर, ये तीन आदमी कलीसिया का खंबा जाना जाते हैं। ये तीन आदमी नहीं है कलीसिया नहीं है, ये तीन आदमी में एक आदमी नहीं है कलीसिया खड़ा नहीं होगा। तो इसी तरह की प्रभु चाहता है कुछ विश्वासी को कलीसिया का खंबा बनाकर खड़ा करे, ताकि वो नहीं है कलीसिया हिलेगा। आमीन। ऐसा कितना विश्वासी है प्रभु के लिए सिर्फ मेंबर बनके आना जाना करने वाला नहीं, सिर्फ मेहमान बनके आना जाना करने वाला नहीं, कलीसिया को थामने वाला। हालेलुया, हर चीज में भाग लेने वाला, कुट्टा टेके कलीसिया के लिए, रो रो के, उपवास करके कलीसिया के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, सेवा के लिए, सेवक के लिए, उनके परिवार के लिए, विश्वास के लिए कुट्टा टेक रो के प्रार्थना करने वाला, वो भी खंबा है। हर काम काज में वॉलंटियर करके खुशी से करने वाला, अरे पास्टर बोल दिया करके दुख से करने वाला नहीं, उसे कोई प्रतिफल नहीं मिले, खुशी से वॉलंटियर से। अभी वहां पर चर्च बनाते समय कितना लेडीज और महिला लोग आकर ईंटा उठाया, बालू उठाया, गिट्टी उठाया, सीमेंट उठाया, कभी जिंदगी में वो कड़ाई उठाए ही नहीं है, लेकिन प्रभु के लिए खुशी से आखिर किया। कितना लोग है मुट्ठी खोल कर दान दिया, दशांश दिया, दशांश नहीं, दशांश से बढ़कर 20% दिया, कुछ लोग सोचा ही नहीं, गिना ही नहीं, ऐसा ही दिया मुट्ठी खोल के प्रभु के लिए। कलीसिया खंबा बनाकर कुछ लोग को प्रभु क्या करता, खड़ा करता। हालेलुया, इसी तरह प्रभु क्या करता है कलीसिया में कुछ लोग को प्रैक्टिकली क्या करता, खंबा बनाकर खड़ा कर देता है, और कुछ लोग आत्मा जीत कर लेकर आता है। कल भी एक सिस्टर बोला है, पास्टर 32वें खंबे में 12 आत्मा को तैयार कर रखा। हालेलुया, 12 आत्मा को मैं 32वें के लिए, अगला 32वें के लिए रेडी है। ये पूरा खंबा है,
ये पूरा क्या है? खंबा। इसी तरह का बहुत लोग देखिए, सिर्फ आएगा, बैठेगा, जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, लेकिन प्रभु क्या करते हैं, कुछ लोग खंबा बना के, इस तरह खंबा कितना बढ़ेगा, मिनिस्ट्री और मजबूत होकर खड़ा हो जाएगा और विस्तार होगा। नष्ट होने वाला एक एक आत्मा, नरक जाने वाला एक एक आत्मा, आग में जलने वाला एक एक आत्मा, मसीह का सिंहासन के लिए तैयारी करने वाला खंबा बन के खड़ा हो जाए। मालूम है खंबा क्यों बनना है? एक वचन मुझे बहुत 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 खुशी लगता है, वचन संगीता 75 में, 75 में मिला, तो जल्दी लेकर पढ़ेंगे 2 और 3, ध्यान से पढ़ेगा तब आपका समझ में आएगा। वचन संगीता उसको 75 का 2 और 3 मिला, जल्दी ढूंढते रहेगा, पढ़ो। जब ठीक समय आएगा मैं आप ही, तब मैं आप ही, परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर खुद अपना मुंह से बता रहा है, जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा, सबको मैं न्याय करूंगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। जब समय आएगा, एक समय प्रभु नुक्त करके रखा है सफेद सिंहासन के सामने, एक वाइट थ्रोन जजमेंट होगा, प्रभु बोल रहा है मैं आप ही क्या करूंगा, सबको ठीक ठीक न्याय करूंगा। हाँ, जब पृथ्वी अपने, जब सारी पृथ्वी अपने सब रहने वालों, सब रहने वालों के साथ समय डोल रही है, डोल रहे सारी दुनिया, सारी पृथ्वी अपने रहने वालों के साथ क्या करेगा, डोलेगा, खत्म हो जाएगा, मैं आप भी क्या करूंगा, उसका जजमेंट करूंगा, न्याय करूंगा। हाँ, तब मैंने उसके खंभों को, स्थिर करता हूँ। तब मैंने उसे खंभों को स्थिर करता हूँ, वह खंभा वो हिलेगा नहीं। कितने लोग समझ में आ रहा, सारी पृथ्वी पर जजमेंट आएगा, न्याय आएगा, प्रभु सबको न्याय करेगा, लेकिन जो मेरा खंभा बनकर काम किया उसके मैं स्थिर करूंगा। जो थाली बजा के प्रभु करा, आज यहां पर जो खंभा बनकर काम करते उसके मैं स्थिर करूंगा। आज यहां पर जो प्रभु के लिए मेहनत करते, परिश्रम करते, उसके मैं स्थिर करूंगा। सारी दुनिया के ऊपर, सारी विश्वासी के ऊपर जजमेंट आएगा, प्रभु का न्याय कहां से शुरू होगा, प्रभु का भवन से शुरू होगा। बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा? परमेश्वर का न्याय कहां से शुरू होगा, प्रभु का भवन से ही शुरू होगा। सब हिल जाएगा, जो अपने आप को धर्मी समझता है वो हिल जाएगा, जो अपने आप को खूबी है करके समझता वो हिल जाएगा, लेकिन प्रभु जो खंबा बनकर काम किया उसके काम को स्मरण करेगा। इसे प्रभु बोला, जो मेरा काम करने वाला, मेरा काम नहीं करने वाला, दोनों का भेद अंतिम समय में पता चलेगा। मेरा मिनिस्ट्री करने वाला, मेरा काम करने वाला, मेरा काम नहीं करने वाला, दोनों का फर्क कब होगा, अंतिम समय में पता चलेगा। आज जो मेहमान बनकर चर्च में आना जाना करता, जो चर्च में खड़ा होकर प्रभु के लिए काम करता, दोनों का फर्क तब पता चलेगा, अंतिम समय में। हालेलुया, बोले जोर से हालेलुया। प्रभु सबका एक गिलास पानी को भी, केवल एक गिलास पानी को भी हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। आप मेरे नाम से किसी को एक गिलास पानी दिया, उसका प्रतिफल मिला, तो आप प्रभु के लिए करने वाला काम का प्रभु प्रतिफल देगा नहीं देगा? देगा। इसे प्रभु बोला है, जो कंबा वो हिलेगा नहीं, सारी दुनिया के ऊपर जज बनाएगा, सारी विश्वासी के ऊपर जज बनाएगा, हर एक ऊपर न्याय के सिंहासन के सामने उसका हर काम का हिसाब किया जाएगा, लेकिन मेरा खंबा को मैं स्थिर करूंगा। जो मेरा खंबा बनकर कलीसिया में खड़ा हुआ, मेरा मिनिस्ट्री को थामा, मेरा राज्य को विस्तार करवाया, उसको मैं याद करूंगा। हालेलुया। आज इसलिए आज हमारे जीवन में क्या करना है, खंबा बनना है, कलीसिया में मेहमान नहीं बनना है। आपको प्रभु पाप को दुलाकर अपना लघु से दो के 32 में देकर अभिषेक करके यहां पर खड़ा किया, इसलिए कहीं ना कहीं एक जगह पर आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए, प्रभु के लिए इस्तेमाल होना, पूरा मन से, पूरा बल से,
आज आप दुनिया में हर दिन ड्यूटी करते 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करते, लेकिन ये दुनिया में एक दिन छोड़ते समय आज जिंदगी भर ड्यूटी किया, उससे क्या लाभ मिलेगा आपको? मैं हर दिन प्रभु 8 घंटा ड्यूटी किया, 10 घंटा ड्यूटी किया, मेहनत किया, परिश्रम किया, कमाया, बच्चा को पालन पोषण सब ठीक है, लेकिन मेरे नाम से एक ग्लास पानी दिया, प्रेज द लॉर्ड, मेरे नाम से, बाकी जो कमाया जिंदगी भर घर द्वार गाड़ी घोड़ा सोना चांदी बैंक बैलेंस एटीएम कार्ड इधर ही रह जाएगा, लेकिन प्रभु का नाम से एक ग्लास पानी दिया वो आपके साथ स्वर्ग में पहुंचाएगा। आज मेरे नाम से थोड़ा सा परिश्रम किया, थोड़ा सा मेहनत किया, सुसमाचार प्रचार किया, आत्मा जीता, लोगों को मसीह में लाया, सबको प्रभु कहीं ना कहीं कोना कोई टैलेंट दिया है, ऐसा है कि भी आदमी नहीं है जो मेरे पास बिल्कुल नील, ऐसा प्रभु नहीं था, जिसको भी कम से कम प्रभु एक उदाहरण बताया, जाते समय हर एक को उसका काबिल का अनुसार, उसका काबिल का अनुसार, उसका टैलेंट का अनुसार, उसका एक एक टैलेंट दिया, कुछ को 5 दिया, कुछ को 2 दिया, लेकिन कुछ को 1 जरूर दिया। आप ढूंढ के देख, आपके पास एक टैलेंट प्रभु जरूर दिया होगा 100%। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, मैं लिखित में दूंगा मेरे पास एक भी टैलेंट नहीं है, ऐसा करके बोलने वाला कोई है तो हाथ उठाइए, मेरे पास एक भी टैलेंट नहीं है। हालेलुया, कम से कम गुंगो तो नहीं है। यीशु तुम्हें प्यार करता है, यीशु तुम्हें चंगा करता है, यीशु तुम्हारे लिए जीवन दिया करके बोल सकता है, वो टैलेंट प्रभु आपके पास दिया। आज कितना घर में प्रॉब्लम है, समस्या है, बीमारी है, तकलीफ है, दुष्टात्मा जादू टोने का ताकत हर घर में अशांति है, हर घर में प्रॉब्लम है कि नहीं? ऐसा एक घर नहीं मिलेगा, अदानी अंबानी का घर से लेकर कंगाल के घर तक हर परिवार में प्रॉब्लम है, बिना प्रॉब्लम का कोई एक आदमी आपको नहीं मिलेगा। बस उनके पास क्या चाहिए? प्रॉब्लम का हाल यीशु मसीह। कौन जाकर बताएगा? प्रभु आपके दिया हुआ टैलेंट आप क्या करते हैं? जमीन में खोद कर रखा हुआ वो लेकर आकर दिया, प्रभु आपका टैलेंट आप पकड़िए, आपका सुम समाचार जो जिंदगी भर सुना हमको हमको नहीं चाहिए पकड़िए, प्रभु उसका हाथ और पैर का अंधेरा बांध कर बागर के अंधेरे में डालो, जहां रोना और दांत पिसना होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज अपने जीवन में आप प्रभु के लिए क्या काम करते हैं? प्रभु के लिए आप क्या मेहनत करते हैं? क्या परिश्रम करते हैं? खंबा बनिए, हम प्रभु के लिए खंबा बनना चाहते हैं, मिनिस्ट्री को थामना चाहते हैं, मिनिस्ट्री को अपना ऊपर लेना चाहते हैं, मिनिस्ट्री का बोझ अपना ऊपर लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक हिस्सा ले लिया, कहीं ना कहीं एक कोना हम भी थामना चाहते हैं, ले लिया, कहीं ना कहीं ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो हमको एक भी टैलेंट नहीं दिया, लेकिन क्या चाहिए? चाहत चाहिए, समय निकालना चाहिए, 24 आवर्स अपने लिए जी रहा है, अपने लिए, मेरे लिए, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा भविष्य, मेरा जिंदगी, मेरा फ्यूचर, मेरा घर द्वार, मेरा गाड़ी घोड़ा सोना चांदी, मेहनत करता, लेकिन प्रभु के लिए अब क्या किया? प्रभु के लिए अब क्या किया? Praise the Lord। आप एक बेला उपवास करके घुटना टेक के प्रार्थना किया मिनिस्ट्री के लिए, देश के लिए, सेवा के लिए, सेवक के लिए, वो स्वर्ग पहुंच गया, वो स्वर्ग में आपका प्रतिफल मिल जाएगा। प्रभु आपको आशीर्वाद करना है, सब लोग चाहते हैं प्रभु मुझे आशीर्वाद कर, लेकिन वो आशीर्वाद उसी के ऊपर निर्भर रहता है, आप प्रभु के लिए कितना काम करते हैं, आप प्रभु के लिए कितना समय देते हैं, आप प्रभु के लिए कितना श्रद्धा देते हैं, आप प्रभु को कितना आराधना करते हैं। बहुत लोगों के जीवन में धीरे धीरे प्रभु का समय देना बंद होते जा रहा, बहुत लोगों का भी मोबाइल मिल गया, सब कुछ मोबाइल में, प्रार्थना मोबाइल में, आराधना मोबाइल में, रविवार मोबाइल में, 32वां मोबाइल में, प्रभु भजन मोबाइल में, चंगाई मोबाइल में घुमा देता है, उसी के लिए बहुत से मोबाइल का पास्टर लोग भी बैठा हुआ है। आपका प्रॉब्लम है ये मोबाइल में फोन कीजिए, प्रेयर रिक्वेस्ट कॉन्टैक्ट सो एंड सो नंबर,
क्यों? वो लोग प्रार्थना करना नहीं देता, तू खुद बैठ, खुट्टा ठेक, प्रभु को उपस्थिति में बैठ, प्रभु के साथ बैठ, उपवास कर, औत्सुक के साथ गिड़गिड़ा के प्रभु का ढूंढ, प्रभु आपका जवाब देगा नहीं देगा, प्रभु आपका देगा नहीं देगा। कितना दिन दूसरा का सहारा पर रहेगा? पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्या पास्टर का प्रार्थना केवल सुनेगा? आपका प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा? आपका प्रार्थना प्रभु सुनेगा नहीं सुनेगा? कितना लोग विश्वास करते मेरा प्रार्थना प्रभु सुनेगा? करके देख, कुट्टा टेक कर देख, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन तुम भी कुट्टा ठेक। कितना लोग बोलते रहे पास्टर मेरे लिए थोड़ा उपवास रात्र में प्रार्थना कीजिएगा। बेचारा तू क्या करेगा? थोड़ा खाना पकाना घर में काम है, तू घर में बैठ कर खाना पका कर खाएगा, मैं उपवास करके तुम्हारे लिए प्रार्थना करना, प्रभु सुनेगा? बोलिए सुनेगा। तू खुद ही खड़ा नहीं होता है तो कलीसिया का खंबा कहां बढ़ेगा? खुद ही तुम कमजोर है, जो पिलर है खुद ही कमजोर है, वो खंबा कहां बनेगा? खुद ही नहीं खड़ा हो पता, तुम अपना जिंदगी का बिल्डअप कर, खड़ा कर, जय पा। इसे प्रभु बोला है, दोबारा उसका अच्छा से बने, जो जय पाए उसका मैं खंबा बनाऊंगा, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर, उसका मैं अपना परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, तू खुद खड़ा नहीं है तो दूसरा कैसा खंबा बनेंगे? तू अपने जिंदगी का बिल्डअप कर, खड़ा कर, अपना व्यक्तिगत जीवन को खड़ा कर, प्रभु को उपस्थिति में आ, बैठ, प्रभु से पुकार, बोलो प्रभु मैं यहां हूं, इलिया की तरह बोल, प्रभु को उपस्थिति में बैठ। हालेलुया, प्रभु बात करेगा नहीं करेगा? बात करेगा। आज हरेक विश्वासी प्रभु के लिए खड़ा होना सीखिए, खड़ा होना सीखिए, अपना जिंदगी का बिल्डअप कीजिए, प्रभु को उपस्थिति में बैठिए। हालेलुया, आज अपने जीवन को बनाएंगे, आप खंबा बन जाएंगे प्रभु के लिए, खंबा बन जाएंगे यीशु के लिए, खंबा बन जाएंगे प्रभु के लिए, मिनिस्ट्री के लिए खंबा बनना है। हालेलुया, बाकी किड़की के बिना बिल्डिंग रहेगा, गतनी के बिना रहेगा, सिर्फ खंबा सबको ठान कर रखता है। कई कई बिल्डिंग बनाता है, देखा है ना, कितना 10 फ्लोर 15 फ्लोर बिल्डिंग बनाता है, लेकिन कोई दीवार की वार नहीं रहेगा, सिर्फ क्या है, खंबा में दलाई करके ऊंचा करते रहेगा, देखा कि नहीं, सिर्फ क्या जाएगा, खंबा जाएगा ऊंचा तक, खंबा काम करेगा, कोई दीवार नहीं, कोई खिड़की नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन क्या होगा, खंबा। इसे प्रभु बोला, खंबा को मैं स्थिर करूंगा, ये बिल्डिंग को प्रभु देखते समय, कलीसिया को देखते समय, कलीसिया में इतना भीड़ को नहीं देखता, इस भीड़ को बीच में जो खंबा बनकर खड़ा होता है उसके प्रभु देखता है, खंबा बनकर खड़ा होता है। कुछ लोगों प्रभु आर्थिक आशीष दिया, अपना मुट्ठी खोलकर आर्थिक अवस्था में वो अपना दान देके, दशांश देके, खुशी के साथ प्रभु के लिए देके वो खंबा बन जाता है। हो सकता है आप बोलेगा मेरे पास धन दौलत नहीं है, नौकरी चाकरी नहीं है, कोई बात नहीं, आप क्या करो, प्रभु के लिए खटाई करो, आओ मेहनत करो, 2000 लोग का खाना बांटना आसान की बात है, परिश्रम कर सकता कि नहीं? कितना लोग को आलू छीलना नहीं आता, बोलिए हम सिखाएंगे, आप बोर को 5 बजे आ जाए, आलू सीखना मैं सिखाएंगे, प्याज काटना मैं सिखाएंगे, सब्जी काटना मैं सिखाएंगे, बर्तन धोना मैं सिखाएंगे, ग्लास प्लेट धोना मैं सिखाएंगे, किस लोग को नहीं आता? भाई मेरे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन फिजिकल मैं प्रभु के लिए मेहनत करूंगा। कितने लोग को प्रभु ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, इस्तेमाल कर आत्मा जीतने में, प्रभु के लिए आत्मा जीतने में, मसीह में आत्मा जीतने में, किसको नहीं आता? आज सुसमाचार फैलाना इतना आसान है, क्यों? सबके पास बड़का मोबाइल है, कितना लोग का बड़का मोबाइल है? अभी हम लोग इसलिए तो लाइव प्रोग्राम और मिरेकल्स प्रोग्राम यूट्यूब में दे रहे हैं, यूट्यूब में इसलिए दे रहे, पहले फेसबुक में देता था, फेसबुक सब मोबाइल में नहीं है, लेकिन यूट्यूब छोटा मोबाइल में भी है, छोटा मोबाइल में भी यूट्यूब है, उसमें टाइप करके देखिए मिरेकल्स इन आसनसोल, दिखाइए लोगों के, दिखाइए,
आज एक जिंदा परमेश्वर, आज भी जीवित परमेश्वर, 2000 साल के बाद भी आज भी क्रिया करने वाला एक जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। बताइए, समझाइए, कितना लोग जिंदगी भर पंडाल घूर के थक चुका। हम भी पहले पंडाल घूरता था, कुछ मिला? कुछ ही नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आज तक कोई पंडाल में कोई भी दुर्गा पूजा या काली पूजा जिस प्रकार की जो भी पंडाल आप घूर के देख, कोई भी पंडाल में आज तक कोई अंधा गुंगा भैरा लंगड़ा कोई दुष्टात्मा कोई पैरालिसिस कोई पागल और ठीक हुआ नहीं हुआ। लेकिन करते रहते कि नहीं, हर पंडाल कितना लाख रुपया, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, जो कुछ भी फायदा नहीं हुआ, किसी को फायदा नहीं हुआ, कोई चंगाई नहीं हुआ, कोई मिरेकल्स नहीं हुआ, लेकिन हर साल हर गली में हर कोना में वो लोग पंडाल बना के आराधना करता। तो मसीह लोग का ईश्वर दिन कहा है, एक प्रभु का भवन बनाने के लिए 16 लाख रुपया का ये भवन बनाने के, सिर्फ छत बनाने के लिए परमानेंट, वो एक हफ्ता में बना के उड़ाने वाला नहीं है, परमानेंट प्रभु के आराधना का भवन बनाने के लिए हम लोग कितना देना पाया, हाथ पर मारना पड़ा। क्यों? उल्लाक अंदर का ईश्वरीय धुन हमारा पास नहीं है, उल्लाक अंदर का ईश्वरीय धुन हमारा पास नहीं है। हम जीवित परमेश्वर अपना आंखों से हर बार कितना मिरेकल्स देखते, कितना चंगा देखते, कितना छुटकारा देखते, कितना किडनी फेलियर, कितना कैंसर चंगा होते हुए देखते, देखता कि नहीं देखता, देखते। लेकिन हमारे अंदर में क्या ईश्वरीय धुन है, हमारे अंदर क्या भक्ति है, हम कितना लोग जाकर बताते नहीं, बताते शर्म करते, खंबा कहां से बनेंगे, सब नष्ट हो जाएंगे, सबको पर जज बनाएगा, सबको में न्याय करेंगे, लेकिन कलीसिया का खंबा को मैं स्थिर करूंगा। प्रभु बोला वो कभी नहीं लेगा। दोबारा अच्छा से पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य उसका 3:12। सब अपना अपना मोबाइल अपना अपना बाइबल खोल के पढ़िएगा, पढ़े, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में, अपना परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा। थाली बजा के है, वो कभी हिलेगा नहीं, जिंदगी भर हिलेगा ना। जो कलीसिया में खंबा बनकर काम करेगा ना, उनके ऊपर प्रभु का एक स्पेशल अनुग्रह रहेगा, दया रहेगा। और आगे, और मैं अपने परमेश्वर का नाम, मैं अपना परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात अपना परमेश्वर का नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, नया यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा, उसी खंबा पर लिखूंगा। जोरदार थाली बजा के, उसी खंबा क्या करेगा, उसका मैं स्थिर करूंगा, कभी नहीं निकलेगा, उसमें मेरा पिता का नाम, पिता का ओर से आने वाला नया जेरूशलेम का नाम और मैं अपना नाम उसी खंबे में लिखेंगे। प्रिय भाई प्रिय बहन, जो प्रभु के लिए खंबा बनकर काम करेगा उसके माथे पर प्रभु अपना नाम लिखता है, अपना पिता का नाम लिखता है, नया जेरूशलेम का नाम लिखता है। कितना लोग को खुशी लगता है, थाली बजा के प्रभु का नाम महिमा कर। हालेलुया हालेलुया, काम करने के लिए निकलता नहीं है। कुछ विश्वासी है, विश्वासी के घर में ही वो घूमते रहेगा। हालेलुया, विश्वासी क्या करेगा, कुछ विश्वासी के घर में घूरेगा। क्यों? इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, उलट बुलट बोलने के लिए। विश्वासी विश्व फैलाने के लिए जाता है। नया लोग के पास जाओ, अन्य लोग के पास जाओ। हालेलुया, हमारे बीच में भाई विद्याधर, बेटा थोड़ा खड़ा हो जाए, विद्याधर बेटा थोड़ा खड़ा हो जाए। आप चर्च में आकर कितना दिन हुआ, 32 महीने के, 1 साल हो गया। मालूम है इनके द्वारा कितना लोग सुसमाचार फैल गया। आज भी बहुत लोग लेकर आया, अपने रिश्तेदारों का सबको, है ना। कितने लोग लेकर आया, 6 लोग लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड, बढ़िए। आज एक खंबा बने, अब नया विश्वासी पुराना विश्वासी सिर्फ चट्टाई को फाड़ते रहते, बैठ बैठ के घिसते रहते। कितना साल का विषय,
अरे आप जब छिल्ली दंग लाए थे ना तब का विश्वासी है, कुछ करता नहीं करता। प्रभु खंबा बनाना चाहते हैं, 2005 का विश्वासी, 2006 का विश्वासी, 2008 का विश्वासी, पुराना मछली हिलता ही नहीं है, मरा हुआ। आज अपना जीवन में प्रभु ढूंढता खंबा खड़ा हो जाएगा, खंबा पर मेरा नाम लिखूंगा, मेरा पिता का नाम लिखूंगा, नया जेरूशलेम का नाम लिखूंगा, वो खंबा कभी हिलेगा नहीं। आज आप किसी तरह के विश्वासी बनना चाहते हैं, कैसा विश्वासी बनकर रहना चाहते हैं? आपके द्वारा प्रभु के राज्य का महिमा के लिए आप चर्च में आता है, आप प्रभु के लिए नहीं आ रहा, आपके लिए आ रहा है। आप चर्च में आने से किसका फायदा? प्रभु का फायदा नहीं, और आपका फायदा। आप अन्य भाषा बोलता, कूदता, नाचता, थाली बजाता, चिल्लाता, किसका फायदा? खुद अपना पैसा, यीशु का फायदा नहीं है। लेकिन आप आते समय और दो आदमी को लेकर आता, तब प्रभु के लिए फायदा होता, तब तुम खंबा बनना शुरू होता, तब दूसरा का थामना शुरू हो जाता है। इसको उठाने, गोद उठाने के लिए पास्टर दौड़ते रहना है तो वह कहां खंबा बनेगा? इसको पास्टर बार बार गोद उठाते रहना। आजकल पास्टर आता ही नहीं है, आजकल पास्टर पूछता नहीं है बात। 4800 कांटेक्ट है, किस किस को फोन करते रहेंगे? बोल, कितना लोग फोन करते रहेंगे? 4800। हले लिया, नया विश्वास के पीछे दौड़ेंगे या पुराना विश्वास के अभी गोद लेके पाप लाली पाप खिलाते रहेंगे? बोल, क्या करना? पुराना विश्वास को समझता नहीं। पास्टर पहले आता था, आजकल नहीं आता। पास्टर पहले पूछता था, आजकल नहीं पूछता। भाई तू बड़ा हो गया। अभी सुबह हम देखा है, अभी जो रंगापारा से एक परिवार आया, पहले एक बच्चा को गोद लेकर आता था, अभी उसका दूसरा बच्चा हो गया। अभी पहला बच्चा का 3 साल हुआ, अभी उसके नीचे खड़ा कर दिया, नया बच्चा को गोद ले लिया। भाई बोलो, 3 महीना का बच्चा का नीचे छोड़ के 3 साल का बच्चा गोद उठा के लेकर रहेंगे? पुराना विश्वासी खड़ा हो जाए अपना पैर में। तू बच्चों को थामना है। हालेलुया, हालेलुया। एक परिवार में गया, वहां पर कितना बच्चा मैं ठीक तरह भूल गया, 8 या 9 बच्चा है एक परिवार में। कितना बच्चा था? 8 या 9 बच्चा मैं भूल गया। हम बोला सिस्टर, हम 2 बच्चा को रखकर इसको बड़ा करने के लिए इतना प्रॉब्लम कर रहे हैं, हम कैसा 9 बच्चा, वो भी सीनियरिटी में, सब एक साथ गैप है सीनियरिटी में। लेकिन वो सिस्टर क्या जवाब दिया मेरे में? पास्टर आपको प्रैक्टिकल नहीं मालूम है। हाँ बोलिए सिस्टर, क्या प्रैक्टिकल है? अरे पहले 2 बच्चा को संभालना मुश्किल है, उसके बाद कोई बच्चा को संभालना मुश्किल नहीं है। क्यों सिस्टर? पहले 2 बच्चा बन रहा, थोड़ा बड़ा होने दो, तीसरा बच्चा आएगा, पहला बच्चा का हाथ में दे दे, 14 बच्चा आएगा, दूसरा बच्चा का हाथ में दे दे, और 5वां बच्चा को, तीसरा बच्चा का हाथ में दे दे। ऐसा जो जो हो रहा है, एक बच्चा को पकड़ाते रहो, तुम फ्री हो जाएगा भाई। कलिशा बढ़ेगा, नया नया बच्चा आएगा, एक एक विश्वास आकर उसी बच्चा को गोद उठाना शुरू कर दे। हर कलिशा में, हर कैंसल में, हर क्लासल में पुराना विश्वास करा जाओ। इसी मिनिस्ट्री हम थामेंगे, इस एरिया में थामेंगे, आओ। अगर इधर अभी भी बोलते रहता है पास्टर नहीं पूछता, हालेलुया, वो तो बोल मेरा मोबाइल का लेकर हैंग हो जाता है, इतना कॉन्टेक्ट है व्हाट्सएप में, कितना ग्रुप मालूम है? सिर्फ ग्रुप सिर्फ 60 से ऊपर ग्रुप है। कितना कितना ग्रुप? सिर्फ 60 ब्रॉडकास्ट 9 है, 9 नहीं, 9 13 है, 13 ब्रॉडकास्ट। तो सोच ले कितना होगा, एक एक ब्रॉडकास्ट में 230 से लेकर 250 लोग हैं। थोड़ा कैलकुलेट करके देखे कितना है, समझ में आ रहा कि नहीं? तो एक एक स्टार्टिंग से फोन करते आएंगे ना, 1 साल हो जाएगा एक बार फोन करने के लिए।
4800 कंडक्ट है, है तो एक साल में कितना दिन है? 365 दिन है। कितना दिन है? एक दिन में 15 आदमी को फोन करेगा तो सबका एक बार फोन करने का मेरे को एक साल लगेगा। तुम लोग फोन करते रहे, मैं मिनिस्ट्री करे, प्रभु को उपस्थिति में बैठे, खंबा बनिए। कितना लोग खंबा बनना चाहते, आगे को बालक ना रहे, प्रभु का वचन बता रहे, मैं आगे को बालक ना रहे, मैं खुद खंबा बनना चाहते, मैं गोद में बैठना नहीं चाहते, बच्चों को गोद लेना चाहते। आइए अपना जगह पर हम लोग अपना खुट्टा टेके, कितना लोग खुट्टा टेकना चाहते हैं? आज प्रभु से बात कीजिए, प्रभु मुझे खंबा बना, यीशु मुझे खंबा बना, आगे को बालक बनकर ना रहे। हाउ द लॉर्ड ग्लोरी अखा बना मोरी बिडवा, केवल अपने लिए रोने वाला बच्चा बनकर ना रहे। मैं कुट्टा टेका औरों के लिए रोने वाला, नाका में खड़ा होने वाला, सेवा के लिए, हर एक विश्वास के लिए, सेवक के लिए, उनके परिवार के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, देश के लिए, वो नाका में खड़ा होने वाला, वो खंबा बना ले मुझे। बोले बात कीजिए है, वो मेरा द्वारा प्रभु का मिनिस्ट्री थामा जाए है, प्रभु का राज्य विस्तार हो जाए है, वो प्रभु का भवन विस्तार हो जाए है, वो प्रभु का सेवा विस्तार हो जाए है। बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए थोड़ा देर। ओ प्रभु मुझे खंबा बना, ओ जोहन्ना जाकोब ओ खेपा जो कलिशा का खंबा माना जाते, ओ मेरा नाम भी आना है, मेरा नाम भी लिखा जाए, मैं भी कलिशा का खंबा बन के, केवल कलिशा में मेहमान बनकर नहीं है, वो केवल आने जाने वाला मेहमान बनकर नहीं है, वो कलिशा में खंबा बन के। The Lord of Rabbanamo, Shabba Baba Labo. Oh, the Ribbanama, Bathe Ribbana, soul be glory, Kavanama. Kitalo Chate Purabande. Sari Desper. सारी दुनिया में, सारी पूछकर में और सारी भूमि में वो न्याय आएगा, लेकिन प्रभु अपना खंबा को खड़ा कर देगा, जो खंबा बनकर काम किया उसके खड़ा कर देगा, जो इस जगह धरती पर वो खंबा बनेगा, मेरा स्वर्ग में, मेरा पिता की मंदिर में उसका मैं खंबा खड़ा करूंगा, वहां से वो कभी नहीं निकलेगा, उस पर मेरा नाम लिखूंगा, मेरा पिता का नाम लिखूंगा, वो नया जैसलम का नाम उसके ऊपर लिखूंगा। ओ द रब नमो रब लबो रब नमो रब लबो ओ द रब नमो रब लबो रब नॉर्मल विश्वासी है, आज सुनीला खान खोल के है, और मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, और प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, और प्रभु के लिए खंबा बनकर खड़ा होना चाहते हैं। ओ दर रब नमो रब लबा, बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए, थोड़ा देर, थोड़ा देर, थोड़ा देर, दो मिनट आपका टाइम दे रहे, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, जहां पर भी रुकावट है, जो जय पाए है, जो जय पाए, ओ दर रब नमा, जो विश्वासी खुद अपना जीवन में खड़ा नहीं हो सक रहा है, बार बार गिर जा रहा है, बार बार भड़क रहा है, ओ दो कहां से खंबा बन पाएंगे, आज प्रभु से मौका है, आज एक बार बोलिए प्रभु मुझे अब एक बार मौका दे, मैं खंबा बनना चाहता हूँ, मैं खंबा बनना चाहता हूँ, मैं खंबा बनना चाहता हूँ, ऐसे मैं खंबा बनना चाहता हूँ, और प्रभु मैं खंबा बनना चाहता हूँ, ऐसे मेरी मैं खंबा ना मोरा बाला बाबा रिबिडा बारा बाला बोरी बिडा बारा बना मोरा बाला बो हाँ दरवा शबाला रवा शंबाला रिबिडा बोरी बिडा बा नहीं दया कर रहे बा खबाला बोरी बिडा बोरी बिशक ले आशीर्वाद कर रहे आपके नाम केवल महिमा पापा हजार एक विश्वासी आज अपना जीवन को जांच कर देखे अपना जिंदगी को जांच कर देखे आज प्रभु के लिए खंबा बनने में प्रभु मदद कर आशीर्वाद कर कितना लोग तेल पानी लेकर आए सारी तेल पानी के भी प्रभु तुझ